टीवी, सच साहस सरोकार। जांजगीर में रेप का आरोपी आरक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जशपुर में जेल की दीवार फांदकर दो कैदी फरार, पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। कोरबा में पुलिस को मिली सफलता, ग्रामीण की हत्या के मामले में की कार्रवाई। बिलासपुर में भानवर गणेश मंदिर के मूर्ति चोर गिरफ्तार, मस्तूरी के इटावा पाली में मंदिर में मूर्ति चोरी। अंबिकापुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, चार नवजातों की मौत से हड़कंप। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन उनसे शौचालय साफ कराया जा रहा है। वहीं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल पहुंचकर कार्रवाई की। बच्चों और ग्रामीणों से बयान लिया गया। प्राइम टीवी के पहुंचने के पहले ही वो स्कूल से जा चुके थे। फोन पर जानकारी दी कि आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी का 12 अक्टूबर को निधन हो गया है। प्राचार्य उमा प्रजापति का कहना है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में लिखित में दिया गया है, मगर आज तक दूसरा सफाई कर्मी स्कूल को नहीं मिला। बावजूद इसके बच्चों से शौचालय की सफाई करवाना एक अमानवीय कृत्य है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चार नवजात शिशुओं की मौत हो गई। परिजनों ने इसे लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में भर्ती चार नवजात बच्चों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया। देर रात बच्चों की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि बिजली गोल होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी। वहीं प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि हार्ट प्रॉब्लम्स समय से पहले बच्चे जन्म में थे, जो वेंटिलेटर में थे। बिजली गोल होने से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। मामले में कलेक्टर, एसपीसी, एमओ और आला अफसर की टीम जांच में जुटी हुई है। बच्चे हैं दोनों में, लेकिन उसमें से जो एसएनसीयू में जो एकदम नवजात और क्रिटिकल वाला पार्ट है, उसमें भी दो बच्चे जो वेंटिलेटर में हैं, उसमें से दो बच्चे अभी भी गंभीर हैं और उनका इलाज बिल्कुल निरंतर रखा जा रहा है और निगरानी की जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो लाइट चली गई उसके कारण ही बच्चों की मौत हुई है, और जो उस समय भी स्थिति थी मोबाइल टार्च के जरिए जो परिजन थे वो अपने बच्चे को वार्न कर। ये सही है कि बिजली की समस्या थी, लेकिन उसका वेंटिलेटर नहीं चलने जैसी कोई बात नहीं थी। उसका मृत्यु से सीधा संबंध नहीं है। 5:30 से लेके और 8:30 बजे तक चार बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें बिल्कुल सही है वो। और उसमें जो बच्चे थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उसको डीन साहब और अच्छे से बताएंगे। और हम लोगों ने बातचीत की, इलेक्ट्रीशियन से बात की, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है, और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों ये समस्या आई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से या बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर में वेंटिलेटर बंद हो गया या वार्मर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक का नाम डंडेश्वर बंजारे है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती से पामगढ़ थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस लाइन में
पदस्थ आरक्षक डंडेश्वर बंजारे निवासी नरियारा से उसकी जान पहचान हुई थी। इस दौरान उसने खुद को तलाकशुदा बताया और युवती से शादी करने की बात कही। इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसके साथ बलात्कार करता रहा। इस बीच युवती को पता चला कि आरक्षण शादीशुदा है और उसका तलाक नहीं हुआ है, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़िता ने पामगढ़ थाने में दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 506 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर साथ ही आरोपी आरक्षक को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा। क्षेत्र की पीड़िता ने थाना का एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस लाइन जांजी में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 41 डंडेश्वर बंजारे ने जुलाई 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच शादी का झांसा देकर उसको लगातार शादी शोषण कर बलात्कार किया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 471/2022 धारा 376 कायम कर आज दिनांक 3/12/2022 को आरोपी डंडेश्वर बंजारे को बिलासपुर के मस्तूरी स्थित मंदिर में गणेश मंदिर की मूर्ति चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 25-26 अगस्त की रात चोरों ने नकली पिस्टल दिखाकर इटवा पाली में स्थित प्राचीन मंदिर में मूर्ति चुराई थी, जिसके बाद से शातिर अपराधी मूर्ति को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने नकली खरीदार बनकर उनसे संपर्क किया और लगभग 2 करोड़ में सौदा तय हुआ, जिसमें 5 लाख रुपये पहले देकर इन्हें झांसे में लिया गया। इससे खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने चोरी के शक में पूछताछ के लिए पहले भी थाना बुलाया था, लेकिन उस वक्त उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने मूर्ति खंडित कर तालाब में छिपा दिया था। नकली बंदूक की नोक पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। थाना मस्तूरी के ग्राम इटवा पाली में जो प्राचीन भवर गणेश का मंदिर है, उसकी जो मूर्ति है और वहाँ के मुकुट, उसको पुजारी को टेप लगा के आंखों में और हाथ में बांध के वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। तभी से पुलिस काफ़ी इसमें गहराई से तफ्तीश कर रही थी और सभी एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे थे। इसके बाद जो युवराज है उसने अपने एक अन्य साथी जो मोहताब है उसको फ़ोन किया और जो पूरी की पूरी जो मूर्ति है जो कि 4 हिस्सों में उन्होंने तोड़ दी थी वो लेकर आया। इसके बाद जो टीम आसपास थी उन्होंने घेराबंदी करके इनको पकड़ा और इसके बाद पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो कि सुमीर राय और निशांत करके व्यक्ति हैं। ये दो सभी मस्तूरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 5 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसमें भी एक आरोपी अतुल वो अभी फरार है, उसकी पुलिस को तलाश है। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पाली थाना के ग्राम चटवा भावना में बीदर कार्यक्रम के दौरान एक ग्रामीण की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर की रात गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मृतक और आरोपी एक ही बाइक में चाय पीने के लिए गांव के एक होटल में गए, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और तीनों आरोपियों ने ग्रामीण की जमकर पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामले में 302 का मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के गुप्तांग में गंभीर चोट के कारण मृत्यु होना बताया जा रहा है। ग्राम चटवा भावना में 2 दिसंबर को बीदर का कार्यक्रम था, जिसमें देवालय में सभी गांव के लोग वहां नाच गान करने के लिए गए थे। मृतक भी वहां गया हुआ था, जिसमें रात्रि में करीब 4 बजे तक मृतक देवालय में नाच गान किया एवं आरोपी नील कुमार आयाम, राजेंद्र मरावी एवं विधि संघर्ष बालक के साथ एक मोटरसाइकिल में 4 लोग बैठ के ये लोग चाय पीने के लिए गए। वापसी दौरान मृतक और आरोपीगणों के मध्य किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें आरोपीगणों के द्वारा जो है डंडे से और हाथ मुक्का से पैर से मारकर उनका हत्या करना पाया गया है, जिसमें आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला जेल में सोमवार सुबह दो विचाराधीन कैदी फरार हो गए। एक कैदी हत्या और दूसरा दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद थे। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी आज तड़के ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर जेल की दीवार में चढ़ गए और जिस जगह की दीवार की ऊंचाई छोटी थी वहां से कूदकर फरार हो गए हैं। इसके बाद जेल अधीक्षक ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है और दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।